मोदी ने अपने नए मंत्रिमंडल में उत्तर पूर्वी सीट से तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले मनोज तिवारी को मौका नहीं दिया। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 33 नए चेहरों को मौका दिया गया, लेकिन इन 33 नए चेहरों में मनोज तिवारी का नाम कहीं भी नहीं था। पीएम मोदी ने अपने नए मंत्रिमंडल में मनोज तिवारी को जगह नहीं दी। मनोज तिवारी को जगह देने के बजाय पीएम मोदी ने पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद हर्ष मल्होत्रा को मौका दिया है। मनोज तिवारी ने इस बार कांग्रेस के कन्हैया कुमार को हराकर जीत की हैट्रिक लगाई थी। तिवारी ने करीब 1,38,778 वोट के अंतर से कन्हैया कुमार को हराया। पूरे चुनाव में मनोज तिवारी की सीट हॉट सीट रही। कयास लगाए जा रहे थे कि मनोज तिवारी ये सीट हार जाएंगे, लेकिन तिवारी ने चुनाव जीतकर इस सीट को अपने नाम कर लिया। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी की हैट्रिक लगी, लेकिन संभावित मंत्रियों में दिल्ली से सिर्फ एक सांसद शामिल है। ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को मोदी 3.0 में जगह मिली है। हर्ष मल्होत्रा एक ऐसा चेहरा है जिनके बारे में कयास तक नहीं लगाए जा रहे थे। पहली बार सांसद बने हर्ष मल्होत्रा ने कहा था, मैं वादा करता हूं कि अगले 100 दिन में कलंदर कॉलोनी और उसके पास झुग्गी बस्तियों की जगह गरीबों के लिए मकान बनने शुरू हो जाएंगे। पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा ने 93,663 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराया है। हर्ष मल्होत्रा को कुल 6,64,819 वोट और कुलदीप कुमार को कुल 5,71,156 वोट हासिल हुए। वही 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को 3,91,222 वोटों से हराया था। तब गंभीर को कुल 6,96,156 और लवली को 3,04,934 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी की अतिशी तब 2,19,328 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। हर्ष ने संगठन में काम किया और परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा का पहला राष्ट्रीय चुनाव था। वर्तमान में प्रदेश महामंत्री रहे हर्ष मल्होत्रा को 2024 के चुनाव में बीजेपी ने गौतम गंभीर की जगह टिकट दिया था, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक कुलदीप कुमार को शिकस्त दी। आपको बता दें कि मल्होत्रा के चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं में संदेश गया कि मेहनत कश कार्यकर्ताओं के लिए भी राष्ट्रीय राजनीति में जगह है। चुनाव में सर्वे हो या फिर बूथ लेवल का मैनेजमेंट, हर्ष मल्होत्रा इसमें माहिर माने जाते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी चुनाव के दौरान कहा था कि सामान्य परिस्थितियों में उठकर आए हर्ष मल्होत्रा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। उन्होंने मल्होत्रा की जीत की भविष्यवाणी भी की थी। 2015 और 2016 में ईस्ट दिल्ली के मेयर रह चुके मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के ट्रेनिंग इंचार्ज भी हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और